आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं और उससे क्या आप बेनिफिट मिले? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो हज़ारगी दस्तकारियाँ हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इसमें कुशन है, टोपी है, स्वीटर्स है और कपड़े वगैरह हैं, मतलब जनाना कपड़े, मर्दाना कपड़े, ये सब कुछ यहाँ मौजूद है। तो मतलब ये हज़ारगी जो काम है वो बहुत ही मतलब इस तरह कहूँ कि बहुत ज़्यादा बारीकी से काम मतलब करती हैं हमारी ख़वातीन। और फिर ये है कि ये बहुत, इसकी कीमत भी बहुत महंगी है, लिहाजा सब लोग इसको ख़रीदने मतलब वो ख़रीद नहीं रहे हैं। अच्छा, जब कीमत के बारे में पूछते हैं तो एकदम जो है, जब हम बताते हैं तो एकदम चले जाते हैं। कुछ लोग जो इसके अहमियत के बारे में जानते हैं तो वो लेते भी हैं। बहुत से लोगों ने मतलब ये दस्तकारी जो हमारी दस्तकारी है उन्होंने ली भी है, ठीक है। तो इस सिलसिले में मतलब हम मुतमईन है कि लोग मतलब हुकूमत बलूचिस्तान भी हमसे तआवुन कर रही है। और फिर दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें हमने यहाँ रखी है वो बिकती भी है कुछ, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं बिकती क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। और तकरीबन एक कपड़े की कीमत 40,000 भी है, 30,000 भी है, तो बहुत कम कपड़े इस तरह है जिनकी कीमतें बहुत कम है, मतलब कम है कुछ, बाकी जो है बहुत महंगी है। इसलिए भी मेरे ख्याल में लोग ख़रीदने की कोशिश नहीं करते और जब कीमत पूछते हैं तो उसके बाद चले जाते हैं। तो ये कीमत महंगी होना क्या आपको मार्केट से रिसाई नहीं होने की वजह से है, किस वजह से? मतलब यह है कि इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और ख़वातीन जो काम करती हैं तो तकरीबन एक कपड़े पर तकरीबन वो 6 महीने भी वक्त लगाते हैं और उससे भी ज़्यादा वक्त लगाते हैं। तो लाजमी तौर पर अगर वो वक्त लगाते हैं तो कीमत भी मतलब उसी तनासब से वो लगाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो है दूसरों के लिए जो ख़रीदने वाले हैं वो जब कीमत के बारे में सवाल करते हैं तो एकदम मतलब पीछे हटते हैं और चले जाते हैं। तो ये वजह है क्योंकि वक्त इस पर बहुत ज़्यादा लगता है। तो आपकी ज़ाहिर है इसमें मेहनत दरकार है, तो इस पर इस किस्म की हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाने के लिए यूनेस्को जो काम करती है, क्योंकि उनका काम ये है कि इस तरह की चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए, तो कोई वो आपको किस किस्म की इमदाद दे देती हैं? मतलब यूनेस्को की तरफ से कोई तआवुन अभी तक नहीं हुआ है और हम जो ये काम करते हैं तो ज़्यादातर वो लोग ये मतलब क्वेटस है वो लोग लेते हैं ज़्यादा, जो यूरोप में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो अमेरिका में हैं। हमारे अपने लोग हैं, हमारे तकरीबन 2 लाख की आबादी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। जब वो यहाँ क्वेटा में आते हैं तो ये चीज़ें लेकर अपने साथ जाते हैं। तो अमेरिका से जो लोग यहाँ आते हैं तो वो भी ये चीज़ें अपने साथ लेकर चले मतलब वहाँ जाते हैं। तो ज़्यादातर यूरोप वाले, अमेरिका वाले और जो ऑस्ट्रेलिया वाला है वो जो हमारे अपने लोग हैं वो यहाँ से लेकर जाते हैं। तो वो मतलब कीमत के बारे में जब हम कहते हैं तो मतलब कोई बात नहीं करते, बस आसानी से ले लेते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ की अहमियत के बारे में मालूम है। उनको मालूम है कि इस पर कितना वक्त लगता है, ये किस कदर मेहनत तलब काम है, तो इसलिए वो आसानी से ख़रीद लेते हैं। तो कभी आपने यूनेस्को से खुद रब्ता किया? अच्छा, यूनेस्को से मतलब मैंने खुद यहाँ इस्लामाबाद में रब्ता किया था, तो उन्होंने मतलब तआवुन करने की यकीन दहानी भी कराई, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनकी तरफ से कोई तआवुन नहीं हुआ। जी बहुत बहुत मेहरबानी।